सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, दृश्यम 2 को इतना प्यार मिला है कि पूछो ही मत। फर्स्ट डे ही हमने देखा, फर्स्ट इन फर्स्ट वीक पूरा हाउसफुल, जो टिकट्स के लिए लोग एकदम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे थे। क्या कहना चाहोगे आप, सबसे पहले ये जानना चाहोगे? यार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। पहली बात, एक तो ये मेरी पहली बॉलीवुड फिल्म है, और पहली बॉलीवुड फिल्म और वो भी बॉक्स ऑफिस पे इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। तो उसे होता क्या है कि तुम्हारा जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। तो ये पहली फिल्म दैट टू, उसमें इतने अच्छे बढ़िया एक्टर, वो भी एक फ्रेंचाइज फिल्म दृश्यम, तो ये सब ऐसा, इससे ज़्यादा बढ़िया मैं कुछ मांग ही नहीं सकता था। आई एम वेरी हैप्पी। फिर जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला आपको दृश्यम 2 में एक किरदार निभाना है, कैसा था रिएक्शन जब इतने सारे स्टार्स एक साथ? मतलब मुझे क्या लगा जी? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने ना दृश्यम देखी नहीं थी। तो दृश्यम मेरे दोस्तों ने देखी थी, ऑफकोर्स बहुत लोगों ने, और उसका रिपीट ऑडियंस है, और लोगों ने तीन तीन चार चार बार दृश्यम देखी है। तो हम ऐसे ही बैठे थे, पोस्ट पैंडमिक लॉकडाउन खत्म हो गया था, तो आज क्या देखे, तो उन्होंने कहा कि चलो दृश्यम देखते। तो मैंने बोला कि मैंने नहीं देखी है। तो फिर वो देखो टैंगरी कि तूने ऐसे कैसे नहीं देखी है दृश्यम, मतलब हाँ यार मिस हो गई, मतलब ऑफकोर्स मिस हो गई थी वो। तो उस रात मैंने दृश्यम देखी, और ऑफकोर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इतने साल क्यों नहीं देखी दृश्यम। और एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस हुआ कि एक 10 दिनों बाद मुझे फ़ोन आया दृश्यम 2 के लिए कि ये ऐसी ऐसी फिल्म है विकी सिदाना के कास्टिंग एजेंसी से कि इसके लिए ऑडिशन हो रहे हैं, तो वी वांट यू टू ऑडिशन फॉर अ रोल। तो मैंने वो ऑडिशन दिया, वो पसंद आया, तो डायरेक्टर को एक और ऑडिशन लेना था दूसरे कैरेक्टर के लिए, फिर मैंने वो किया एंड देन आई गॉट द फिल्म। सो या मुझे बहुत ही ये जो एक कोइंसिडेंस था जिंदगी का, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। या हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अजय देवगन, श्रेया, एज वेल एज इशिता? एवरीवन इज जस्ट लाइक या फैमिली जिस तरीके से दिख रही है, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसा था? एक्चुअली श्रेया और इशिता से मैं मिल नहीं पाया क्योंकि हमारे एक साथ सीन ही नहीं थे, लेकिन अजय सर, तब्बू मैम, अक्षय खन्ना सर, रजत कपूर सर, इन सब के साथ मेरे सीन्स थे। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार पहली फिल्म है, और जिन लोगों को हम बचपन से देखते आए हैं, जिनका काम एडमायर करते आए हैं, तो ये सारे लोग एक ही फिल्म है, मुझे इनके साथ काम करने मिलने वाला था। तो ये फीलिंग, मैं बहुत खुश था, मैं नर्वस नहीं था, आई वाज एक्साइटेड। तो मुझे ऐसा जेन्युइनली फील हुआ कि ये जो लोग हैं जिन्हें हम लेजेंड्स कहते हैं, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, तो वो उस मुकाम पर है, उसका रीज़न है कि उनका जो वर्क एथिक है या उनकी काम करने की जो इतने साल इंडस्ट्री में गुजारने के बाद जो एक ईज आ जाता है काम पे, या जो एक प्रोफेशनलिज्म है, उनकी एनर्जी जो होती है सेट पे, वो बहुत कोलैबोरेटिव एनर्जी है कि ये नया इंसान है या पुराना है, डजंट मैटर, लेट्स क्रिएट वाला जो एक जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था उनका, ग्रेटनेस मुझे, मैम आई वॉज ऑब्जर्विंग देम, मेरे जैसे सीन्स होते थे या उनके क्लोज चालू है, या मैं उनका काम या उनको सेट पे बहुत देख रहा था, बहुत सीखने मिला इस फिल्म में। मतलब ऑफ स्क्रीन मोमेंट, मतलब एक्चुअली ये मैंने बहुत सुना था इंटरव्यूज में या सेट पे भी, वो थे कि यार इज अ प्रैंकस्टर, लेकिन हमारे एक्चुअली दो ही सीन थे, सो आई एक ही दिन मैंने उनके साथ एक्चुअली शूट किया, और उसमें ही वो पूरा ख़त्म हो गया। तो वो साइड मैंने डिस्कवर नहीं की, मैं वो देख नहीं पाया उनकी साइड, लेकिन उनके साथ हमने एक पार्टी की थी 2-3 दिनों बाद। तो वो पार्टी में मैंने उनको देखा, तो सेट पे ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी स्वीट गाय, वेरी कूल गाय, और पार्टी में ही वॉज एंजॉइंग। तो वो जो अजय सर की एक साइड थी, तो यार मतलब यार ये कूल गाय, वेरी कूल गाय। साथ ही कितने कुछ कमेंट्स आपने पढ़े हैं सभी फैंस के, और कितने रिवर्ड्स किए हैं सभी? बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आया है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को मैसेज नहीं कर पाया और रिवर्ट नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स है, आई एम जस्ट हम्बल्ड, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल कि पहली फिल्म है और मेरा जो कैरेक्टर है वो लोगों को पसंद आ रहा है।
तो यस आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच गाइस. एनी ऑफ द बेस्ट रिस्पांस फ्रॉम एनी ऑफ द सेलेब्स और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा. DSP जो है, जिन्होंने हमारा म्यूज़िक किया ऑफकोर्स, तो प्रीमियर को मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा कि अरे यार आपने बहुत बहुत बढ़िया कैरेक्टर किया. तो मैं उनसे बात कर रहा था, देन ही रियलाइज़ कि मेरी आवाज़ जो है वो तो नॉर्मल प्लेन वॉइस है, तो और मैंने फिल्म में एक अलग आवाज़ का टेक्सचर दिया है. तो ही वॉज अभी उन्होंने कहा कि यार ये आवाज़, मुझे लगा इस बंदे की आवाज़ ही ऐसी है. तो ये मेरे लिए बहुत एक बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था कि हम कौन सा भी कैरेक्टर करते हैं या उसके कुछ अगर ऐसे मैनरिज्म्स लेते हैं या कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ये ट्रिकी होता है कि वो कैरिकेचरिश लग सकता है या फेक लग सकता है. तो वो ना होके ये रियल लगना, ये एक बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट होती है. और वो भी DSP उनसे आई थी, तो आई वॉज हैप्पी. साथ ही जब किरदार के नाम से आपको जाना जाता है सभी फैंस के थ्रू, तो कैसा होता है रिएक्शन? बहुत अच्छा लगता है. वो एक सेटिस्फैक्शन है कि हमें 6 महीने 5 महीने किरदार के लिए देते हैं, वो पूरा हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, और सडनली तुम सिद्धार्थ से उनके लिए वो कैरेक्टर बन जाते हो. तो ये सेटिस्फैक्शन, वो एक सर्कल कंप्लीशन है कि जहाँ से शुरुआत किया था कि सिद्धार्थ ने एक कैरेक्टर लिया, वो उसका पूरी पूरा जर्नी हुआ, और वो ऑडियंस तक पहुंचने के बाद अब ऑडियंस सिद्धार्थ को अपने कैरेक्टर के नाम से जान रही है. तो वो एक सेटिस्फेक्शन है, एक अलग फीलिंग है वो. थैंक यू. अभी तो धीरे धीरे आ रहे हैं, एक दो फिल्म्स के ऑफर आई, एक वेब सीरीज शायद मैं करूँगा, और एक फिल्म मैं फेब्रुवरी में शूट कर रहा हूँ. तो और अभी जैसे जैसे लोग फिल्म देख रहे हैं, काम पहुंच रहा है, तो होपफुली बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम मेरे तक पहुंचे और मैं कर सकूँ. आई एम वर्किंग हार्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ. सीरियल को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हाल ही में मैंने देखा था नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था. या क्या कहना चाहोगे? इट्स लाइक कि हर घर में हम देखते हैं कि जैसे ही टाइम होता है हर कोई एक्साइटेड होता है व्हाट इज द नेक्स्ट. या शो नंबर 1 अभी है, 1-2-1-2 ये हो रहा है. तो यार लोगों का रिस्पांस जो है वो बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस होता है. हमारे जो कैरेक्टर्स है स्टोरी के, सारे कैरेक्टर्स उस कैरेक्टर से, उन कैरेक्टर से और स्टोरी से लोग इतने पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं ना. तो और सोशल मीडिया इतना इतनी बढ़िया चीज़ है कि तुम लोग जो काम कर रहे हो लोगों के सामने, वो हमारे उनको कैसे लग रहा है ऐसे डायरेक्ट उनका क्या जो रिएक्शन है वो हम तक पहुंचता है. तो इतने भर भर के अप्रिसिएशन के मैसेजेस आते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का इतना प्यार है कि लोग इतने इन्वॉल्व होके तुम्हारी सीरियल, तुम्हारे किरदार को एंजॉय कर रहे हैं और उनके साथ लेके चल रहे हैं. तो ये बहुत मैसेजेस आते हैं, और ये लोगों का प्यार ही है कि सीरियल नंबर 1 होती है या नंबर 2 होती है. तो हमारे शो को ये मिल रहा है, तो ये वी आर ग्रेटफुल, वी आर वर्किंग हार्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा हम एंटरटेन कर सकेंगे. हम कोशिश ज़रूर करेंगे उसकी. सिद्धार्थ आपसे जाना चाहेंगे, आप बिग बॉस 16 कितना फॉलो कर रहे हैं? यार मैं नहीं देख पा रहा हूँ एक्चुअली बिग बॉस. बिग बॉस मतलब मैंने शुरू किया था, लेकिन एक शूट की वजह से वो रह गया. तो मुझे अभी तक आने के लिए एक 20 दिनों का वो पूरा निकालना पड़ेगा. लेकिन ये मतलब इनिशियल कुछ एपिसोड्स मैंने ऑफकोर्स फॉलो किए थे. मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता हूँ, मेरी ऐसी किसी से भी पहचान नहीं है. या सुम्बुल का काम मुझे बहुत पसंद है, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, और निमृत है, उन्होंने मुझे छोटी सदारनी में किया था. तो या आई नो दिस गाइज उनके काम की वजह से, लेकिन पर्सनली तो नहीं मिला हूँ. शिव है, शिव मराठी बिग बॉस जीता हुआ है. तो यस अभी जो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम, तो जो बेस्ट है वो जीत जाए. सबको ऑल द बेस्ट. अगर आपको चांस मिलता एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आप जाना पसंद करेंगे? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस एट दिस पॉइंट ऑफ माय लाइफ. आई थिंक आई एम नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ शो. इट्स अ वेरी मतलब वो इजी नहीं है उस घर में उतना सर्वाइव करना, उतने टास्क करना, वो एक एट दिस पॉइंट नो, डेफिनेटली नो. साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हमेशा से हमने देखा है कि किरदार जो आपका से नेगेटिव टाइप होता है, कभी कोई अलग किरदार आप करना पसंद करेंगे
डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसा कोई है माइंड में और अगर आप शेयर करना चाहें। मतलब ऑनेस्टली मैंने इसके पहले जो काम किया था गुम के पहले, वो मैंने कभी विलन नहीं किया था, मैंने कभी नेगेटिव शेड की नहीं थी, तो वो आई तो मुझे एक्सप्लोर करना था और मुझे मज़ा आया। उसके बाद ये जो फिल्म है, मैंने डेविड का कैरेक्टर किया, वो भी एक अलग शेड का कैरेक्टर है, तो वैसा रोल भी मैंने नहीं किया था। तो मुझे पर्सनली अभी आई वॉन्ट टू बी द प्रोटोगनिस्ट ऑफ एनी स्टोरी एंड एनी गुड स्टोरी। कि एक फिल्म है, एक 2 घंटे की फिल्म होती है, अगर 2-2.5 घंटे की, उसमें तुम्हें शायद 20-25 मिनट मिल जाते हैं, 30 मिनट मिल जाते हैं, और एक फिल्म में तुम थ्रू आउट द फिल्म हो, तो वो जो तुम्हारा एक पोटेंशियल है वो यूज़ करने का जो तुम्हें मौका मिलता है, तो मैं उस किस्म के रोल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर्स मुझे अनकम्फर्टेबल कर दें, मेरा जो कंफर्ट, एक हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर खींचने की डिमांड रखते हैं, उस किस्म के कैरेक्टर मैं करना चाहूँगा। और मुझे बायोपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन दैट एक्साइट्स मी कि एक अच्छी बायोपिक मुझे करनी है। तो लेट्स सी, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं सिर्फ विलन करना है या विलन नहीं करना है, मुझे जो कैरेक्टर टेम्प्ट करेगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज आई लव एक्टिंग, एक्टिंग इज माई पैशन। मैं मराठी हूँ, मराठी इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, उधर से मेरी शुरुआत हुई है, तो मुझे मराठी फिल्म करनी ही है। तो अभी तक तो कुछ ऐसी ऑफर नहीं आई है, लेकिन 101% मुझे काम करना है, सो लेट्स होप कि मराठी में भी मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। I want to work ना, that's my only plan, और मे बी मैं क्रिसमस में शूट भी कर रहा हूँ। तो मुझे ना मतलब ऐसे कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं ना पर्टिकुलर, या बर्थडेज, अभी दिसंबर में मेरा बर्थडे है, तो आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई बर्थडे या ऐसे कुछ, तो क्योंकि अभी मैंने बहुत आराम कर लिया है, 1-2 महीने से मैंने ऐसा हेक्टिक स्केड्यूल मैंने किया नहीं है, तो आई वॉन्ट टू डू दैट नाउ, आई एम क्रेविंग फॉर दैट। ओके, सो फैंस के लिए मुझे इतना ही कहना है कि जिन्होंने भी दृश्यम देखी नहीं है, दृश्यम 2, तो प्लीज़ थिएटर्स में जाइए और दृश्यम 2 देखिए, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। 1 अगर मेरे जैसे जो मैंने दृश्यम नहीं देखी थी, तो दृश्यम 1 भी देखिएगा, और अगर दृश्यम 1 आपने देख ली तो आप रह नहीं पाओगे, आप जाके दृश्यम 2 देखोगे, और बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, तो ऐसा ही प्यार करते रहिएगा, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।